हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है डिविजिबिलिटी रूल। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और आपको पूछा कि वो नंबर 1 से 10 तक आज हम डिस्कस करेंगे। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो आपको पूछ लिया एक बड़ा नंबर है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पूरा नंबर को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। बट ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये अगर आपको याद आ गया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मतलब हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम लोग 1 से 10 तक डिस्कस करेंगे। सो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो आप लोग क्या देखेंगे, एंड में नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 3, 5, 6, 8, ठीक है, पूछा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 नंबर के एकदम लास्ट डिजिट इसमें से एक है कि नहीं। अगर है मतलब यहाँ पे 8 है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है, इवन नंबर, ठीक है। 3, 5, 6, 1 इसमें 1 आ गया, सो ये ऑड नंबर है, सो डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। उसके बाद 3 के लिए क्या लिखा, डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3, मतलब कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, मैंने एग्जांपल लिया 4, 2, 5, 1, ठीक है, आपको पूछा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, 3, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा नंबर का जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 क्या आएगा, 6, 5, 11, 12, ठीक है, 12 आ गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 1 12, तो 12 डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, है, 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। वही मैंने लिखा है डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3, आपको क्या करना है, पूरा नंबर जो है उसका डिजिट का सम करना है, और अगर वो सम 3 से डिवाइड हुआ तो आपका ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद लिखा है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 इन केस ऑफ 4, मतलब नेक्स्ट अगर आपको पूछा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं पूछा, आपको एक बड़ा नंबर दिया हुआ है 40724, आपको पूछा इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4, हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, एकदम लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 24, और उसको हम चेक करेंगे कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4, मतलब लास्ट का 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यहाँ पे 4 से ये डिवाइड होगा, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमको यहाँ क्या चेक करना है, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। एक और एग्जांपल 5, 0, 6, 8, 3, 6, आपको चेक करना है कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, लास्ट का 2 डिजिट उठाया, कितना आया 36, 36 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करने से 9, सो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4, ठीक है, ये आ गया आपका 4 तक। उसके बाद डिविजिबल बाय 5 का तो एकदम इजी है, कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसके एंड में 0 और 5 ये दोनों नंबर होना होगा, आपको दिया हुआ है 35, इन में 5 है सो डिविजिबल बाय 5, 400, इन में 0 है सो डिविजिबल बाय 5, मतलब 0, 5 कोई भी है तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। देन उसके बाद डिविजिबल बाय 6, ठीक है, डिविजिबल बाय 6 कैसे निकलता है, ये डिविजिबल बाय 2 होना होगा और डिविजिबल बाय 3, ये दोनों सेटिस्फाई करना होगा, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा, मतलब 2 × 3 मतलब 6 है, सो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल्सो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो एज फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 216, ठीक है, हम इसमें क्या चेक करेंगे, अगर आपको बोला कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं वो पूछा, तो पहले डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 2 उसका रूल क्या था, वो नंबर के एंड में इवन नंबर होगा, तो ये
डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है। 3 के लिए हम क्या करते हैं, पूरा नंबर को ऐड करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 6 मतलब 3 6 9, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। उसी तरह से हम चेक करते हैं, पहले 2 का चेक करना होगा, उसके बाद 3 का, देन आपका आता है 7 का, मैं लास्ट तक छोड़ रहा हूँ, 7 का एक अलग कॉन्सेप्ट है। देन आपका 8 आएगा, 8 के लिए क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट, जैसे हम 4 के लिए चेक करते थे लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना होगा, लास्ट 3 डिजिट को 8 डिजिट 8 से डिविजिबल होना होगा, ठीक है। ये आपका 8 के लिए। उसके बाद 9 के लिए, जैसे 9 के लिए सेम 3 के लिए जैसे करते थे सेम, पूरा नंबर को डिजिट का सम निकल रहा, उसके बाद शुड बी डिविजिबल बाय 9, जैसे हम लोग 3 के लिए करते थे पूरा डिजिट का सम निकला, उसके बाद डेट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे भी पूरा डिजिट का सम निकला, डेट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मैंने एग्जांपल लिया 7 2 9, ये चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। हम क्या करेंगे, पूरा डिजिट का सम 7 प्लस 2 प्लस 9 9 9 18 18, 9 से डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये आ गया आपका 10 के लिए, तो इजी है, नंबर के लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल है, ठीक है। ये सारे ट्रिक्स 1 से 10 तक मैंने डिस्कस किया, लास्ट एक नंबर बाकी था, वो क्या था, 7। तो 7 का रूल, 7 का रूल मैं पहले लिख रहा हूँ, 7 का इलिमिनेट लास्ट डिजिट को इलिमिनेट करना होगा, उसके बाद डबल दैट डिजिट, उसके बाद जो डिजिट इलिमिनेट किया उसको डबल किया, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना होगा, सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग। ये आपको एग्जांपल देने से ही क्लियर होगा। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो मैंने एक नंबर उठाया 343, आपको चेक करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो हमने पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इलिमिनेट लास्ट डिजिट, सो लास्ट डिजिट को हमने इलिमिनेट कर दिया, डबल डेड डिजिट, सो इसको हमको डबल करना होगा, 6 आ गया, 3 × 2 = 6। देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग, यहाँ पर रिमेनिंग कितना है, 34, 34 से 6 माइनस किया कितना आएगा, 28। देन जो लास्ट में आंसर आएगा डेट शुड बी क्या, डिविजिबल बाय 7, लास्ट में जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय 7 होगा, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। आपको दिया हुआ है 147, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज इलिमिनेट लास्ट नंबर, इसको डबल किया 14, देन यहाँ से माइनस 14 माइनस 14, 0 आ गया, 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, ऐसे करते हैं। सो यहाँ आज हमने क्या डिस्कस किया, 1 से 10 तक पूरा जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो चेक किया, और लास्ट में बोल रहा हूँ कि वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।